नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। दुनिया पूरी इस कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ रही है। इस बीमारी से लड़ने के लिए नित्य प्रतिदिन नई नई दवाओं का खोज हो रहा है, टीके का खोज हो रहा है। कुछ देश ये कह रहे हैं कि हमने इस बीमारी का इलाज खोज लिया, हमने टीका खोज लिया, लेकिन अमेरिका जैसा विकसित देश जहां सबसे ज्यादा मौत हुई है, जहां सबसे ज्यादा इस बीमारी ने कहर ढाया है, वहां के राष्ट्रपति जब धर्म और पूजा में विश्वास करने लगे और ये कहें कि अब हमें इस बीमारी से भगवान ही बचा सकते हैं, तब कहीं जाकर हमें भारतवासियों को यह महसूस होता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं भगवान जरूर है। कल ऐसा ही कुछ वाक्या हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने व्हाइट हाउस में बकायदे सभी धर्मावलंबियों को बुलाकर पूजा पाठ का आयोजन किया, जिसमें अमेरिका में इस्कॉन मंदिर के हमारे भारतीय पुजारी ने मंत्रोच्चारण से शांति पाठ किया और भी धर्मावलंबी वहां थे। सब मैंने कहने का मतलब यह है कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने सभी धर्मों का वहां पे, सभी धर्मों के लोगों को वहां पे बुलाया था और जो भी धर्म अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं उन्होंने सबका वहां पे निमंत्रण दिया था, सबको स्वीकार किया था। लेकिन सबकी नजरें और सबके कान जो है भारत के इस्कॉन मंदिर, अमेरिका में जो इस्कॉन मंदिर है उसमें भारतीय पुजारी जो वहां पे रहते हैं, उन्होंने कैसे व्हाइट हाउस में ये पूजा अर्चना की, आपको दिखा। In these troubled times of COVID-19, social distancing and the lockdown, it's not unusual for people to feel anxious or not at peace. The Shanti Path or the Peace Prayer is a prayer that does not seek worldly riches, success, fame, nor is it a prayer for any desire for heaven. It is a beautiful Hindu prayer for peace, Shanti. It's a Vedic prayer derived from the Yajurveda. And the prayer goes, Om Dyo Shanti Rantarikshagvam Shanti Pruthvi Shanti Rapah Shanti Roshadaya Shanti Vanash Pataya Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Swargam Shanti Shanti Reva Shanti Shama Shanti Om Shanti Shanti Shanti. The prayer translates into, Onto the heavens be peace, onto the sky and earth be peace, peace be onto the water, onto the herbs and trees be peace, onto all the crops be peace, onto Brahma and onto all be peace, and may we realize that peace. Om peace, peace, peace. Thank you. आपने देखा, तो ये है आज के डेट में अमेरिकन राष्ट्रपति का भी विश्वास कि उन्होंने भारतीय पूजा पद्धति को सबसे पहले पहल की और वहां पे मंत्रोच्चार के साथ शांति पाठ का आयोजन कराया। इससे ये विश्वास जरूर होता है कि कहीं ना कहीं भगवान है। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो कहा जाता है कि रग रग में, कण कण में भगवान है। बहरहाल चलिए, इस पूजा और पाठ से कितनी शांति और कितना बचाव अमेरिका को मिलता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। नेशन भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखिए, कोरोना का तीसरा लॉकडाउन का दौर चल रहा है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी जान भी बचेगी और जहान भी बचेगा। जय हिंद। Yeah.
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।